वेलकम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज हम लोग देखेंगे ये दाल जब हम लोग प्रेशर कुकर में उबलते हैं ना, तब बहुत झाग आता है, व्हिसल से बहुत पानी गिरता है, तो इसमें गैस भी गंदा होता है, प्रेशर कुकर भी गंदा हो जाता है, सेफ्टी बल्ब उड़ने का, सेफ्टी बल्ब फ्यूज़ होने का एक चांसेस रहता है। तो आज हम लोग दिखाएंगे ये दाल उबलने के समय कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं ये झाग जो आते हैं प्रेशर कुकर में व्हिसल से, ये कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए, जो कोई भी दाल आप लोग पकाते हैं प्रेशर कुकर में, उसमें एक चांसेस रहता है फ्रॉदिंग होने का, झाग निकलने का। तो मैं आज ये दिखाया हूँ ये मसूर एंड मूंग दाल का एक मिक्स जो मैं अभी तैयार करने वाला हूँ नॉर्मल जस्ट बॉयल करने के लिए। तो इसमें मैं दिखाऊँगा कैसे ये उबलना, उबलने के वक्त कैसे ये हम लोग चेक कर सकते हैं जो झाग निकलते हैं। तो क्या करूँगा मैं ये दाल लिया, तो दाल एंड पानी का जो रेशियो है वो बहुत अहम है, तो वो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो ये जो एक कप दाल है ना, तो उसमें मैं सिर्फ डेढ़ कप से पौने दो कप पानी डालूँगा, उससे ज़्यादा पानी ज़रूरत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा पानी होगा ना, तो दाल बाहर निकल आएगा व्हिसल से, व्हिसल का मुँह अटक जाएगा एंड सेप्टिकल उड़ने का एक चांस रहता है। तो बस वही पानी का जो रेशियो है वो थोड़ा सा कम लेना है, एक कप दाल में डेढ़ कप से पौने दो कप पानी, दो कप भी पानी नहीं डालिएगा आप लोग। तो मैं पानी डालता हूँ, देखिए मैंने हिसाब अनुसार पानी भी डाल दिया। तो अब मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी एंड थोड़ा सा एडिबल ऑयल, तो वो मस्टर्ड का ऑयल भी हो सकता है और कोई भी सनफ्लावर ऑयल और कुछ भी हो सकता है, पर ये मैं डालूँगा। सो देखिए, मैं उसमें ऑयल डाला हूँ, स्वाद अनुसार नमक डाला हूँ, हल्दी डाला हूँ एंड थोड़ा सा चीनी भी डाल दिए, तो ये ऑप्शनल है, हम लोग थोड़ा सा चीनी खाते हैं तो इसीलिए डाल दिए। तो अभी ढक्कन बंद करूँगा एंड हाई फ्लेम पे पीठा दूँगा। सो देखिए, हाई फ्लेम पे मैं पीठा दिया। सो ये 1.5 लीटर का प्रेशर कुकर है, बहुत छोटा प्रेशर कुकर है। देखिए, कुकर जितना छोटा होगा तो उसमें उबल आने के वक्त दाल जब आप लोग उबलते हैं तब इसमें पानी निकलने का, ये व्हिसल से पानी निकलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं इस, ये 1.5 लीटर का छोटा प्रेशर कुकर है, तो इसमें भी आप लोग देखेंगे कुछ भी नहीं होगा, बहुत सामान्य होगा, तो वो नेग्लिजिबल है। तो आते हैं फर्स्ट व्हिसल तक, वेट करते हैं, मैं दिखाता हूँ फर्स्ट व्हिसल। मैंने गैस को कम कर दिया एंड देखिए झाग तो निकलेगा ही, इतना छोटा प्रेशर कुकर जो है, पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ एंड झाग निकलने के बाद ये गैस पर टॉप पे भी नहीं आया, जस्ट कुकर का ये जगह पे ये रह गया। देखिए, मैं गैस को कम कर दिया, एक दो मिनट रखूँगा। सो देखिए, एक दो मिनट के बाद मैंने फिर से गैस को तेज़ कर दिया एंड और एक व्हिसल डाल के मैं गैस को बंद कर दूँगा। तो अब देखिएगा कोई भी झाग नहीं आएगा। सो मेरा ये जो दाल पकाना कंप्लीट हो गया, तो अभी मैं पूरा प्रेशर रख के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप देखिए, फर्स्ट जो व्हिसल आया था तो उस व्हिसल में थोड़ा सा झाग निकला था, वो भी बहुत नेग्लिजिबल है, क्योंकि आप सोचिए ये कुकर 1.5 लीटर का छोटा कुकर है। तो 1.5 लीटर, देखिए दाल में ऐसे जब आप लोग उबलते हैं तब झाग निकलने का एक चांसेस रहता है, छोटा कुकर में तो और भी ज़्यादा। तो इसीलिए छोटा कुकर में ज़्यादा ऐसे झाग निकलता है, सेफ्टी वाल्व ज़्यादा फ्यूज़ होता है, पर इसमें मैंने बिठाया हूँ तो मैंने आप लोगों को ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, इतना सारा कुछ नहीं आया, थोड़ा सा तो आएगा ही पर वो नेग्लिजिबल है। उसमें आपका गैस भी गंदा नहीं हुआ, गैस टॉप प्रेशर कुकर भी गंदा नहीं हुआ, तो सब सही ढंग से रहा। तो आप लोग ऐसे फॉलो कीजिए, होप्सो ठीक आएगा। तो ये प्रेशर निकलने के बाद मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे पका है ये दाल एंड देखिए कोई झाग भी इतना सारा कुछ नहीं निकला, नेग्लिजिबल है। सो आप लोग देखिए, प्रेशर निकल गया, तो मैंने प्रेशर कुकर खोला, देखिए दाल कैसे सुंदर से गल गया है, पूरा सही हुआ है। तो आप ऐसे फॉलो कीजिए, आपका भी दाल सही ढंग से पक जाएगा
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये झाग भी नहीं निकलेगा एंड आपका गैस भी गंदा नहीं होगा, किचन भी साफ रहेगा। तो जस्ट फॉलो इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, आज बस यही तक। नेक्स्ट कोई एक वीडियो या कोई एक इश्यूज़ लेके हम लोग फिर से हाजिर होंगे। बाय।